लौकी ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसकी हम कभी सब्जी बनाते हैं और कभी मिठाई बनाते हैं। आज इसी लौकी से एकदम यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मैंने दो लौकी ले ली हैं। अच्छा दोस्तों, सच सच बताना, लौकी देखकर किस किस को टेंशन हो जाती है। जब लौकी की सब्जी बनाते हैं तो घर वालों को टेंशन हो जाती है, और जब लौकी की मिठाई बनाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आज जिस तरीके से हम रेसिपी बनाएंगे उसमें बहुत कम मेहनत लगेगी और बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट आज की रेसिपी है, बस आप देखते जाना। तो इसके लिए आपने ये अच्छी कच्ची वाली लौकी लेनी है और इसको आगे पीछे से दोनों साइड से काट के इसका छिलका उतार देंगे। और ये देखिए, इसका छिलका उतार लिया है तो अब एक फोक लेंगे और दोनों लौकी को हम इस तरह से प्रिक कर देंगे। प्रिक करने का सिर्फ इतना ही हमारा पर्पज है कि लौकी अंदर तक पक जाएगी और जल्दी पक जाएगी। तो ये देखिए, इन दोनों को मैंने प्रिक कर लिया है। तो अब हम इनको बीच में से इस तरह पीसी जिन के काट लेंगे। तो दोस्तों, आज हम मिठाई बनाएंगे और मिठाई बनाएंगे तो बीजों का कोई काम नहीं है, तो इसके हम बीज निकाल देंगे। इस तरह का चाकू लेंगे और इस तरह से इसके बीज निकाल देंगे, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। सारी लौकी के हम इसी तरह से बीज निकालेंगे और ये देखिए, अंदर से इस तरह से ये खाली हो जाएगी। जितने भी पीस हैं सभी के इसी तरह से बीज हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, सभी के मैंने निकाल लिए हैं, तो ये बीज हम हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं है। तो अब लेंगे ये ग्रेटर। आप चाहें तो लौकी को ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि लौकी को ग्रेट करने बैठे। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, इसके हम पीस काट लेते हैं। तो ये देखिए, इसके मैंने इस तरह से पीस बना लिए हैं। तो अब एक कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई में डाल लेंगे देसी घी, क्योंकि मिठाई बना रहे हैं तो घी में बनाएंगे। आप चाहें तेल भी ले सकते हैं, इसमें बस 2-3 चम्मच ही घी लगेगा, इतना घी नहीं लगेगा। बाद में घी बच जाएगा, इसको हम घर में यूज़ कर लेंगे। और ये जो लौकी के पीस हमने काटे हैं ये इसमें डाल देंगे और इनको हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। 5-6 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5-6 मिनट में इसी तरह अलट पलट पकाएंगे और 5-6 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो ये हल्के हल्के कलर की हो जाएंगी और इन पे थोड़ी थोड़ी ब्राउन कोटिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। आप दबा के देख सकते हैं, पता लग जाएगा आपको कि ये पक चुकी हैं। तो पकने के बाद इनको निकाल लेते हैं एक छलनी में और अब एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। ये लौकी मेरे पास ज़्यादा थी तो ये दो बार मैं पकाऊंगी। इसी तरह 5-6 मिनट इस दूसरी को भी पका लेंगे और ये देखिए, 5-6 मिनट बाद ये इस तरह से लाइट कलर की हो जाएगी और हल्की हल्की ब्राउन कोटिंग भी आ जाती है। तो इसको भी अब निकाल लेते हैं। और ये देखिए, सारी लौकी मैंने पका ली है, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इस सारी लौकी को डाल देंगे मिक्सी के जार में और इसको हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा दरदरा पेस्ट ही बनाइए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाना है। और ये देखिए, इस तरह मैंने इसको पीस लिया है। इसको हम किसी कटोरी या कप में निकाल लेंगे नाप के लिए, क्योंकि उसी नाप से फिर हम इसमें दूध और चीनी डालेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने कप में निकाल लिया है और ये 1.5 कप हमारी लौकी है। तो अब मैंने वही मिक्सी का जार लिया है और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप दूध, क्योंकि 1.5 कप ही लौकी थी तो 1.5 कप ही हम दूध ले लेंगे। और 1 कप डालेंगे इसमें मिल्क पाउडर, और अगर मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध को डबल कर लीजिए। और 1 कप डालेंगे इसमें चीनी और 2-3 चम्मच ये डेसिकेटेड नारियल डाल देंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। और इसको भी एक बार मिक्सी चला के घुमा लेंगे। तो ये देखिए, इसको भी मैंने चला लिया था। तो फिर से लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच घी। घी ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है और ये लौकी जो हमने पीस ली है ये इसमें डाल देंगे और एक बार घी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लौकी हमारी पहले से ही पकी हुई है, ज़्यादा पकाने की इसको आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास दूध ना हो तो आप 2 कप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, इसी स्टेज पे डाल सकते हैं, फिर आपको मिक्सी में घोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चीनी और मिल्क पाउडर इस स्टेज में आप डाल लीजिए। तो जो ये दूध और मिल्क पाउडर हमने मिक्स करके रखा है ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ये 2-3 मिनट में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर और हमने डेसिकेटेड नारियल भी डाला है तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, इसको 2-3 मिनट चलाते हुए हो गए हैं।
और ये गाढ़ा होना पहले से शुरू हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा फ्लेवर और देते हैं और थोड़ा इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आज हम लौकी की मिठाई बना रहे हैं, लेकिन इसका कलर तो लौकी जैसा नहीं लग रहा है, ये वाइट वाइट लग रहा है। तो इसमें हम लौकी का कलर दिखाने के लिए एक पिंच ये ग्रीन फूड कलर डालेंगे ताकि इसमें लौकी जैसा कलर आ जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बड़ा प्यारा सा इसमें ग्रीन कलर आ गया है। तो इसको हमने इस स्टेज तक पकाना है, गाढ़ा करना है कि ये जमने लायक हो जाए। इसको पकाने में 10 से 12 मिनट आपको लगेंगी, 10-12 मिनट में ये इस तरह का हो जाएगी, ये जमने लायक हो जाए। और ये देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए इसको हमने पका लिया है और ये इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो आपने इस स्टेज तक पकाना है कि एक कटोरी में आप थोड़ा निकाल के देख लीजिए और उसको थोड़ा जब ये ठंडा हो जाए तो इसका गोला बना के देखिए, इसका गोला बनना चाहिए। जब ये इस तरह का गोला बन जाएगा तो समझ जाना आप ये जम जाएगा। तो अब ये हमारा इकट्ठा हो चुका है तो गैस को ऑफ कर देते हैं। तो बर्फ़ी जमाने के लिए ये मैंने ट्रे ली है, ये ट्रांसपेरेंट वाली ट्रे है जो चॉकलेट वाली होती हैं। आपके पास जैसी भी ट्रे हो या थाली हो वो ले लीजिए, और इसको ग्रीस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बर्फ़ी जमाने के लिए हम ये ओडी का इको बेक पेपर यूज़ करेंगे। इस इको बेक पेपर को लगाने के बाद बर्फ़ी हमारी बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी और ग्रीस करने का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। और इसको आप माइक्रोवेव में भी, ओवन में भी, एयर फ्रायर में भी, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक हाई क्वालिटी का रीयूजेबल पार्चमेंट पेपर है। तो मैं इसको इस ट्रे के साइज़ का काट लेती हूँ, और ये देखिए मैंने इसको काट लिया है। तो इसको ट्रे में सेट करेंगे और ये बर्फ़ी वाला मिक्सर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। और ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। तो ऊपर से थोड़े गार्निश के लिए मैं ये बादाम डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो डाल सकते हैं, या फिर आप इस पे सिल्वर पेपर भी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरह से दबा के अच्छे से सेट कर लेंगे और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और इसको मैंने रख लिया था 2 घंटे बाद, अब ये मैंने निकाला है और ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ इस चॉपिंग बोर्ड पे, और अब इसकी बर्फ़ी काटेंगे। आप किसी भी साइज़ की बर्फ़ी काट सकते हैं, लंबी स्क्वायर शेप में। और ये देखिए बर्फ़ी हमने काट ली है, और ये बर्फ़ी देखिए आप कितनी बढ़िया बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। एक और दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी हमारी बन के तैयार हुई है। और ये पेपर देखिए आप, बर्फ़ी कहीं से भी नहीं चिपकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट निकली हैं। और इस पेपर को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल है। तो ये बर्फ़ी हमारी अब तैयार हो चुकी हैं, और इसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। थोड़ा मैंने इस पर केसर लगा दिया है और थोड़ा ये रोज़ फ्लावर के पत्ते इस पर लगा दिए हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना दोस्तों, देखने में जितनी सुंदर है ना उससे कहीं ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। आपको हलवाई की दुकान पे भी ऐसी बर्फ़ी कहीं नहीं मिलेंगी। आप इस तरह से बना के देखना, बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो दोस्तों आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।